We were in, you know, search for good interior designers who could, you know, basically put our thoughts of canvas onto real life ground experience. हेलो व्यूअर्स, आई एम भावना शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा इंटीरियर का काम है। मैं आपको आज अपनी एक नई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ। ये दिल्ली में पश्चिम बिहार में मेरी साइट है। मैं आपको इसका एक होम टूर कराती हूँ। होप यू विल लाइक द साइट। तो मंदिर से हम स्टार्ट करते हैं। मंदिर में आप जैसे कि देख सकते हैं, जितना भी काम हमने किया हुआ है, ये जितना भी आप काम देख रहे हैं, ये PU में काम हो रखा है और ये हमने कस्टमर को पॉकेट डोर प्रोवाइड करे हैं। इसको हम ओपन करते ही अंदर पुश करेंगे तो ये अंदर चले जाते हैं। इसमें आपके शटर ओपन नहीं रहते हैं। ये सारा इस काम इस पर कोरियन में किया हुआ है। कोरियन में CNC में गुरु जी की फोटो हमने बना करके इनको दी। ये वॉल जैसे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर मोल्डिंग का काम किया हुआ है। मोल्डिंग में डुपो काम किया हुआ है एंड इसके बीच में हमने सेम गोल्डन पत्ती लगाई हुई है। डाइनिंग एरिया और मंदिर के बीच में हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया है। ये पार्टीशन इसलिए क्रिएट किया है ताकि मंदिर में और डाइनिंग एरिया में एक डिवीज़न क्रिएट हो जाए। तो हमने ये देख सकते हैं, हमने उनके बच्चों के फर्स्ट लेटर जो था उसमें हमने कटिंग करवा करके ये पार्टीशन डिज़ाइन किया है। पार्टीशन के ऊपर ये सेंटर में जितने भी वर्टिकल आप देख रहे हैं, ये हमने डुको में करा हुआ है। डुको मैट फिनिश में पेंट किया हुआ है। बहुत बड़ा ह्यूज स्पेस नहीं है डाइनिंग और ड्राइंग रूम एरिया का। इसको और वाइड दिखाने के लिए हमने यहाँ पे मिरर का काम किया है ताकि पैसेज और स्पेस जो है और बड़ा दिखे। ड्राइंग रूम में अगर आप मेरे बैक पे ये पैनलिंग का काम देखें, तो ये जितना भी काम पैनलिंग का किया हुआ, लैमिनेट में काम किया हुआ है, कस्टमाइज हमने वॉलपेपर कस्टमर को दिया है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल की प्लेट्स देखेंगे, हमने ग्लास प्लेट्स प्रोवाइड की हुई हैं। यहाँ पे हमने एक आर्च क्रिएट करी है उसकी ब्यूटी को और निकालने के लिए। सेंटर में हमने उनको लूवर्स दिए हैं। हमने यहाँ पर उनको एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा एक बार डिज़ाइन करके दिया है। जितना भी काम आप बार में देख रहे हैं, सारा लैमिनेट में काम हो रखा है। लैमिनेट में आपका जो फिनिश है, ये लाइट पिंक कलर में हमने लैमिनेट प्रोवाइड करी है। नीचे जितने भी शटर देख रहे हैं, ये ग्लास के प्रोफाइल शटर्स दे रखे हैं। शेल्फ भी हैं, शेल्फ बॉटल्स रखने के लिए, ग्लास रखने के लिए। अब मूव ऑन करते हैं हम इस घर के किचन की तरफ, जो कि घर का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। जितना भी आप इस किचन में काम देख रहे हैं, जो फिनिश इसमें दे रखी है, हमने दे रखी है PU फिनिश। सारे फिटिंग जो भी आप देखेंगे, सारा इनोटेक फिटिंग है। हैटिक में सॉफ्ट क्लोज में दे रखा है। और जितना कैबिनेट के नीचे आप ये लाइटिंग का काम हमने सभी कैबिनेट्स में नीचे की तरफ करके दिया हुआ है। अब ब्यूटी को और निकालने के लिए, टाइल्स को हाईलाइट करने के लिए। सिंक एरिया आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने उनको GTPT प्रोवाइड करी है। सेपरेट दिया है गीजर का प्रोविज़न। इसके बाद आता है हमारा OTG एरिया। OTG में नीचे ओवन, ऊपर माइक्रोवेव, नीचे टैंडम ड्रॉर दे रखा है। पेंट्री एरिया में हमने सारा ग्लास की पेंट्री प्रोवाइड करी है। अगर आप देखें तो जितनी भी शेल्स हैं, सभी में प्रोफाइल लाइट लगा के दी गई है। आप देख सकते हैं बहुत स्पेशियस क्रॉकरी यूनिट है यहाँ पर हमने दी उनको। अब मूव ऑन करते हैं हम गेस्ट बेडरूम की तरफ। मैं आपको इसका भी लुकअप दिखाती हूँ कि क्या हमने इनको डिज़ाइन करके दिया है गेस्ट बेडरूम में। गेस्ट बेडरूम में जैसे आप एंटर होंगे, सबसे पहले आपको एक प्रीमियम लुक आएगी पैनलिंग की। हमने बेड के बैक में इनको फैब्रिक की पैनलिंग डिज़ाइन करके दी है। सारा फैब्रिक का काम किया हुआ है। इसमें जितना भी ये रोज़ गोल्ड का आप ग्लास का ये काम देख रहे हैं, ये ग्लास दे रखा है हमने रोज़ गोल्ड कलर में। बेड हमने दिया है, बहुत ह्यूज बेड तो आ नहीं सकता था यहाँ पर, तो इसलिए हमने एक सिंगल बेड इनको डिज़ाइन करके दिया है। कस्टमर को बहुत शौक है कि मेरे शूज़ बहुत हैं, तो मुझे शूज़ को डिस्प्ले में करना है, मुझे उनको कवर करके नहीं रखना। तो इसके लिए हमने उनको एक ग्लास का एक स्टोरेज प्रोवाइड करके दिया है विद लाइटिंग्स के साथ। जैसे ही ओपन करते हैं तो वो लाइट्स ओपन हो जाती हैं। सेम यही चीज़ हमने अपोजिट साइड पर भी दिया है। यहाँ पर भी इनके शूज़ का स्टोरेज दिया है। इसमें भी ग्लास की ग्लास शटर है एंड लाइटिंग्स का प्रोविज़न दे रखा है। यहाँ पर भी वार्डरोब है, ओपन करते ही लाइट्स चल जाते हैं इसमें। ये हमारा हमने इनको एक TV यूनिट एरिया डिज़ाइन करके दिया है। और इसमें नीचे बॉटम में हमने बेस यूनिट डिज़ाइन करके दिया है। सारा लैमिनेट में काम किया हुआ है। इस बेडरूम में एक अटैच वॉशरूम है।
वॉश बेसिन के बैक में जितना भी काम देख रहे हैं ये हमने मोजैक लगाया हुआ है। मोजैक के फ्रंट में हमने टच स्क्रीन वाला मिरर दे रखा है। अब मैं आपको इस घर का सेकंड बेडरूम दिखा रही हूँ, बच्चों का किड्स बेडरूम। ये बेडरूम हमने इनकी डॉटर और उनके सन दोनों के लिए डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं इनकी डॉटर का एरिया है, ये हमने आर्च जो डिज़ाइन करी है पीच कलर में डिज़ाइन करी है, ये इनकी डॉटर का है एरिया। एंड ये वाला साइड जो है हमने इनके बेटे के लिए डिज़ाइन किया है ब्लू थीम में। पीछे हमने वॉलपेपर सेम कस्टमाइज हमने इनको दिए हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये भी कस्टमाइज वॉलपेपर है। बेड्स हमने दिए हैं, बेड्स की शेप्स आप देख सकते हैं, आर्च कर्व्स में हमने बेड्स डिज़ाइन करे हैं। इनकी साइड टेबल्स हमने दोनों तरफ अलग अलग सेक्शन दिए हैं। यहाँ पर बच्चों का हमने एक ब्लू एंड वाइट की थीम में टीवी यूनिट डिज़ाइन किया है। तो हमने यहाँ पर एक स्विंग दिया है उनको, यहाँ पे अपना वो रिलैक्स करके स्टडी करते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी बेडरूम का एक हमने सेपरेट एक पोर्शन डिज़ाइन किया है, वैनिटी एरिया। एक तरफ उनकी डॉटर का ये सेक्शन बनाया है, दूसरी तरफ उनकी मदर के लिए सेक्शन बनाया है। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपना सारा ड्रॉर्स में अलग अलग सेक्शन जो दे रखे हैं उसमें अपना उन्होंने कॉस्मेटिक रख रखा है। हमने हैंडबैग्स के लिए एक सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हमने इनको एक स्टोरेज दिया है विद लाइटिंग्स के साथ। यहाँ पर भी बच्चों के रूम में एक सेपरेट मिनी सा कॉम्पैक्ट सा एक वॉशरूम हमने डिज़ाइन करके दिया है। आप देख सकते हैं पीछे बैक में हमने पैनल दिया है शॉवर का, इसमें हमने मोजैक लगाया है। ग्रे एंड रोज गोल्ड कलर की थीम दी गई है वॉशरूम के अंदर। अब मूव करते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, मैं आपको मास्टर बेडरूम का भी लुक दिखाती हूँ। इसमें जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको बहुत प्रीमियम फील आएगी, बहुत प्रीमियम काम किया हुआ है हमने यहाँ पर। इस बेडरूम की सबसे मेन क्वालिटी है यहाँ का फिनिश, जो बेडरूम का हमने फिनिश दे रखा है। इसमें जितना भी आप वार्डरोब पे काम देख रहे हैं ये जो हाई ग्लॉस फिनिश है ये सारा पीयू में काम किया हुआ है। स्लाइडिंग वार्डरोब्स हमने कस्टमर को दी है। बेड की बैक पैनलिंग अगर देखेंगे ये हैवी कुशनिंग बेड की बैक पैनलिंग हमने डिज़ाइन करके दी है। सेंटर में आप ये जो गोल्डन वर्क देख रहे हैं ये सारा गोल्डन SSPVD का काम किया हुआ है। 4x4 इंचेस के हमने वर्टिकल मिरर्स दे रखे हैं यहाँ पे, लुकिंग मिरर्स। साइड टेबल्स अगर आप देखेंगे साइड टेबल भी आपका पीयू में हमने किया है। हमने ये जितना भी आप काम देख रहे हैं स्टोन लुक में जो आ रहा है ये सारा एक्रेलिक में काम किया हुआ है। ये वॉशरूम का हिडन डोर हमने इनको दिया है। गोल्ड लिफिंग का काम किया गया है इसमें वैनिटी में, खुद से हमने ये पेडेस्टल डिजाइन किया है। And that's how we got connected to them. First, we called them, then they came, they did the 3D mapping of our house and everything and gave an estimate then and there. And that was the very point we got to know that, okay, these are the people who we really want to get our things done from, because an instant connect or vibe match was there that, okay, these are the people who could really understand our problems and needs and everything. Actually what we want and what we expect from our house. वो मकान को घर बनाते हैं. For us, this is our house, not मकान. They work according to our needs. They don't work according to their wants. This is what I like to call home sweet home. According my space according to me. I like the room honestly. My side the show pieces are really good. The plane on top. It gives me the vibes. I love it. And my wallpaper, I love the wallpaper. Hopefully, आपको मेरा ये इंटीरियर का काम जो मैंने किया है आपको पसंद आया होगा। तो व्यूवर्स आप हमारे साथ जुड़े रहिए भावना शर्मा इंटीरियर के साथ और वीडियोज़ के लिए और नए प्रोजेक्ट्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच।